गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 15 माली के घड़े इसकी रीडिंग फिनिश की थी और लघु उत्तरीय प्रश्न ख़त्म किए थे। अगर आप में से किसी को भी वहाँ कोई समस्या हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। आज हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, चैप्टर नेम, चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 15 और डेट मेंशन करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर एक, आधा भरा घड़ा मन में क्या सोच सोच कर दुखी होता। आधा भरा घड़ा मन में क्या सोच सोच कर दुखी होता। आंसर लिखेंगे, घड़ा सोचता कि यह तो भरा भरा घर पहुंचता है, यह तो भरा भरा घर पहुंचता है, तथा माली इसे धो पोंछकर ढक कर रखता है। और मैं, यानी वो खुद के बारे में सोचता है, मैं तो रास्ते में बेकार बह जाता हूँ, क्योंकि उसमें छेद था तो उसका जो पानी था वो रास्ते में ही गिर जाता था सारा। तो वो ये सोच के दुखी होता है कि ये तो भरा भराया घर पहुँचता है और माली जो है इसे अच्छे से धो पोंछ कर ढक कर रखता है, लेकिन मैं तो व्यर्थ में बह जाता हूँ। प्रश्न नंबर दो, आधे घड़े ने माली को क्या सलाह दी। आधे घड़े ने माली को क्या सलाह दी। आंसर लिखेंगे, घड़े ने सलाह दी कि माली काका, आप मुझे भरकर लाते हो पर आते आते मैं आधा ही रह जाता हूँ, आप नया घड़ा क्यों नहीं ले आते। यानी कि आधे भरे घड़े ने माली से कहा कि आप मुझे इतनी मेहनत से कुएं से भर के लाते हो, लेकिन क्योंकि उसमें छेद है तो घर आते आते उसका पूरा पानी रिस जाता है, तो आप नया घड़ा क्यों नहीं ले आते। प्रश्न नंबर तीन, माली ने छेद वाले घड़े को क्या समझाया। माली ने छेद वाले घड़े को क्या समझाया। माली ने समझाया, तुम्हारा गिरता पानी पेड़ पौधों पर टपकता है, पौधों पर टपकता है, जिससे वे
सींचते हैं और हरे भरे रहते हैं, और हरे भरे रहते हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाती। यानी कि माली ने टपकते हुए घड़े को ये समझाया कि तुम्हारा जो पानी रिसता हुआ आता है, तो रास्ते में जो छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं उन पर तुम्हारे जो पानी रिसता है उसका पानी गिरता है, जिससे वो पौधे सींचते हैं और हरे भरे रहते हैं, तो तुम्हारी मेहनत जो है वो बेकार कहाँ हुई। यानी कि तुम्हारा अगर पानी व्यर्थ भी जा रहा है तो वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो पौधों के काम आ रहा है, ये उसने घड़े से कहा। प्रश्न नंबर चार, माली उस छेद वाले घड़े को क्यों नहीं फेंकता था। यानी कि घड़ा उसके किसी काम का नहीं था, उसमें छेद हो गया था, फिर भी माली ने उसे क्यों नहीं फेंका। आंसर लिखेंगे, क्योंकि माली उस आधे घड़े के पानी से अपने पेड़ पौधों को सींचता था। माली ने वो आधा घड़ा जिसमें छेद था वो इसलिए नहीं फेंका था क्योंकि उससे उसके पानी से वो अपने पेड़ पौधों को सींचता था, उनमें पानी डालता था, और जो भरा हुआ घड़ा था उसको वो ढककर पोंछकर इसलिए रख देता था ताकि ये अन्य जो भी काम है उसके घर के उनमें उसको वो काम में ले सके। चलिए प्रश्न नंबर पाँच, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सेवा करने से सच्चा सुख मिलता है। ठीक है, जैसे कि घड़े का रिश्ता हुआ पानी भी पौधों के काम आया, वो बेकार नहीं गया, तो इसी तरह से दूसरों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना हमेशा, तो इससे हमें सच्चा सुख मिलता है। यानी कि इसमें सेवा भाव को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिनिश होते हैं। चलिए, यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हुए। अब हम हमारी जो बाकी के एक्सरसाइज है वो करेंगे नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।